हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज 20 सितंबर का जो है ग्रुप डी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है समाप्त हो चुका है। तो कुछ प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट के आए हैं मेरे पास, कुछ स्टूडेंट ने भेजे हैं, तो उसको मैं आपके सामने वीडियो के माध्यम से लेके आ रहा हूँ। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ग्रुप डी से रिलेटेड कोई भी वीडियो लेके आऊँ आपके लिए तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँचे सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपके मैथ के क्वेश्चन है कि 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज से 90 अधिक है तो मूलधन निकालें। तो इसमें आपको करना क्या है कि मान लीजिए कि मूलधन P है, तो 8% के दर से 8 से 24% 24/100 प्लस 90 इज इक्वल टू है आपका पी का 18% बाई 100। यहाँ से आपका निकल जाएगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि P का 24/100 माइनस P का 18/100 इज इक्वल टू 19। तो यहाँ से P का वैल्यू आपका निकल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया था कि 306, 204 और 136 का HCF निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग 136 से डिवाइड करेंगे 204 में, उसके बाद जो आएगा उससे फिर हम लोग 320 में डिवाइड करेंगे, और जो तीनों को डिवाइड कर लेगा वो आपका HCF हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि प्रिंसिपल 375 रुपया, रेट जो 8% टाइम 4 ईयर में अमाउंट कितना हो जाएगा। 4 साल में आपका 8% के रेट से ये बढ़ के हो जाएगा 32%, यानी कुल मिला के जो अमाउंट हो जाएगा 132% हो जाएगा। तो आपका 100% बराबर दिया हुआ है 375, यानी 1% बराबर हो जाएगा 375/100 इंटू 132 निकालना, तो 132%। इसको सोल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, एज रिलेटेड प्रॉब्लम थे, जो क्वेश्चन पूरा नहीं आ पाया है। तो मैंने सिर्फ वो ये पता है कि एज रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वो मैं आपको बता दिया हूँ। नेक्स्ट है साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो आपका ए का वैल्यू निकालना। तो यहाँ साइन ए बराबर आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर है। तो इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, तभी साइन ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर होगा जब साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपसे नाव और धारा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, और मैं अब बात करूं कि एक साइंस से क्वेश्चन पूछा था कि द सन एंड द स्टार ग्लो, सन और स्टार जो है ग्लो करते हैं किस कारण से। तो वो आपका हीलियम का वहां पर डिफ्यूजन होता है, इसी कारण से हीलियम का फ्यूजन होता है, इस कारण से आपका उसको एनर्जी मिलता है सन और स्टार को, और ग्लो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पीरियोडिक टेबल से 2 प्रश्न पूछे गए थे, ज़्यादा प्रश्न नहीं, 2 प्रश्न आए थे पीरियोडिक टेबल से। और नेक्स्ट की बात कर लें तो आपके पूछे गए थे 600025 का वर्गमूल कितना होगा, तो आपको निकालना होगा 600025 का वर्गमूल। तो निकालने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, फिर यहाँ से आप 2 से डिवाइड कीजिएगा, तो 2 2 4 2 00, यहाँ से 2 2 4, यहाँ से आप लिख सकते हैं 4, कितना से डिवाइड करेंगे 1 2, यहाँ 4 लिखना होगा, तो यहाँ 4 आ जाएगा आपका। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौके 16 4 चौके 16 1 17 176, यहाँ से फिर बच जाएगा आपका 24, और यहाँ से लिखना होगा 25, फिर आगे इस तरीके से आप निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि देवसेना का किरदार जो बाहुबली में निभाई थी वो कौन थी, उसका नाम क्या था। तो अनुष्का शेट्टी जो जी थी, जो देवसेना का किरदार बाहुबली मूवी में निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आंसर है आपका विराट कोहली उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन पूछा गया था कि चीफ जस्टिस जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के कौन हैं, तो दिलीप बाबू साहेब भोसले हैं चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट के। राशिद खान आईपीएल के कौन से टीम से खेले थे इस बार, तो राशिद खान आईपीएल सनराइजर हैदराबाद से खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमा दास को कौन सा मेडल मिला था और किस गेम में पूछा गया था, ये नहीं बताया गया था। तो आपको एशियन गेम में गोल्ड मेडल 400 मीटर इंटू 4 रिले रेस में मिला था, फिर सिल्वर मेडल लिए थे 400 मीटर मिक्स रेस में, और फिर सिल्वर मेडल मिला था 400 मीटर इंडिविजुअल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धूती चंद उड़ीसा के जो एथलीट हैं उनको कौन सा मेडल मिला था, तो इनको सिल्वर मिला था 100 मीटर में और सिल्वर मिला था 200 मीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि परमाणु
जो मूवी है उसके डायरेक्टर कौन है, तो अभिषेक शर्मा। ये फ्रेंड्स ये थे कुछ 20 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए वीडियो के माध्यम से लेके आया हूँ। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो लेके आऊँ आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।